हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे KDMC 2025 की जो पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल की, ठीक है, उसके लिए अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है अपने KDMC 2025 जूनियर इंजीनियर सिविल की। ठीक है, यहाँ पे अपन टोटल जो है वो टोटल चैप्टर्स जो अपने पास दिए हैं सिलेबस में वो 22 चैप्टर्स हैं, और 22 चैप्टर्स के अंदर 270 टॉपिक्स अपने को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, मीन्स 270 टॉपिक्स अगर अपन डेली यहाँ पे कवर करते हैं, मीन्स 22 चैप्टर्स अगर करते हैं, तो देखिए हर चैप्टर्स में मिनिमम 14 to 50 एवरेजन क्या है, यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स को कवर करने के लिए अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपन ट्राई करेंगे कि पूरा यहाँ पे डेटा कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, फर्स्ट जो चैप्टर है वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसमें देखिए 15 यूनिट्स दिए हैं। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्शन, ब्लेंडिंग, शेयर टॉर्जन, डिफ्लेशन ऑफ बीम्स, कॉलम एंड स्ट्रट्स, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंस लाइंस, आर्क्स एंड केबल्स, प्लास्टिक एनालिसिस, मैट्रिक्स मेथड्स, फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर डायनामिक्स एंड स्पेशल एंड स्पेस स्ट्रक्चर। तो ऐसे टोटल कितने टॉपिक्स है अपने पास, 15 यूनिट्स है चैप्टर वन में। तो हर चैप्टर में ऐसे ही यूनिट्स दिए हैं, जिसके लिए अपन ने एक स्पेशल PDF बनाई है, जो है ये PDF। ठीक है, JEE सिविल के लिए शॉर्ट नोट्स भी है प्लस MCQs भी है, मतलब इसमें टोटल 22 चैप्टर्स एंड 270 टॉपिक्स कवर किए हैं, शॉर्ट नोट्स प्लस MCQs। टोटल MCQs यहाँ पे अगर देखते तो 7000 प्लस MCQs है, और इसकी प्राइस है ₹350। ठीक है, जिनको भी ये PDF चाहिए होगा वो डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये PDF आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट PDF रहेगा, आप कोई भी अगर सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते तो ये PDF आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी है, मतलब थ्योरी भी है, प्लस MCQs भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वन के 25 MCQs जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए, क्योंकि ये जो सीरीज है ये अपन कंटिन्यू रहने वाले हैं जब तक एग्जाम्स नहीं आती तब तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे MCQs जो दिया है, तो फर्स्ट है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टैटिकली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टैटिकली डिफाइंड स्ट्रक्चर के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पे अपने को बताना है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास, ऑल मेंबर फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग इक्विलिब्रियम ओनली, सेकंड इट इज ओनली सॉरी इट इज ऑलवेज अनस्टेबल, थर्ड डी फॉर्मेशन आर इग्नोर्ड, एंड फोर्थ कंपेटेबिलिटी इक्वेशंस आर नीडेड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, ऑल मेंबर फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग इक्विलिब्रियम ओनली, बिकॉज स्टैटिस्टिकली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर कैन बी एनालाइज यूजिंग ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस विदाउट रिक्वायरिंग कंपेटेबिलिटी कंडीशंस, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, इन स्ट्रक्चरल आइडियलाइजेशन अ हिंग अलाउज। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, ओनली रोटेशन नो ट्रांसलेशन, सेकंड ओनली ट्रांसलेशन नो रोटेशन, थर्ड बोथ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, एंड फोर्थ नो मूवमेंट एट ऑल। तो अगर करेक्ट आंसर देखते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ओनली रोटेशन नो ट्रांसलेशन, क्योंकि हिंग अलाउज फ्री रोटेशन बट रेजिस्ट ट्रांसलेशन, दैट्स व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ऑकर्स एट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है अपने पास, सपोर्ट्स, मिड स्पैन, क्वार्टर स्पैन, एंड एनी वेयर डिपेंडिंग ऑन लोडिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, मिड स्पैन, फॉर UDL मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बेंडिंग मूवमेंट इज मैक्सिमम एट द मिड पॉइंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ परफेक्ट ट्रस। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है अपने पास, ऑल जॉइंट आर पिन कनेक्टेड, सेकंड मेंबर्स कैरी ओनली एक्सेल फोर्स, थर्ड मेंबर्स कैन कैरी बेंडिंग मूवमेंट, एंड फोर्थ सेल्फ वेट इज निग्लेक्टेड अनलेस स्पेसिफाइड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, मेंबर्स कैन कैरी बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, बिकॉज इन ट्रस्ट एनालिसिस मेंबर्स आर एज्यूम टू कैरी ओनली एक्सेल फोर्सेस नॉट अ बेंडिंग मूवमेंट्स। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, मूवमेंट ऑफ
इनर्टिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स बेस इज, तो अगर यहाँ पे देखते तो बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12, बी डी क्यूब डिवाइड बाय 3, बी डी बी क्यूब इंटू डी डिवाइड बाय 12 एंड बी डी क्यूब इंटू डी डिवाइड बाय 3, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, बी डी क्यूब डिवाइड बाय 3, बिकॉज मोमेंट ऑफ इंटरिया अबाउट बेस ऑफ रेक्टेंगल दैट इज डायरेक्शंस ऑफ डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम हेल्प टू कंप्यूट मोमेंट ऑफ इनर्टिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन अबाउट नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सेकंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थर्ड रेडियस ऑफ ग्रिएशन थ्योरम एंड फोर्थ सेंट्रोइड थ्योरम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बिकॉज पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज यूज टू शिफ्ट मोमेंट ऑफ इनर्टिया टू एनी पैरेलल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट सेवन, इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज मेड, तो देखो ऑप्शन है यहां पे टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज कंसिडर्ड, सेकंड प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, थर्ड शियर डिफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एंड फोर्थ टॉर्जन ऑक्यर साइमल्टेनियसली। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बिकॉज इट एज्यूम दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। नेक्स्ट एट, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इज अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज मैक्सिमम एट, तो देखो ऑप्शन है सेंटर, सेकंड मिड रेडियस, थर्ड आउटर सरफेस एंड फोर्थ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड आउटर सरफेस। ठीक है, बिकॉज इन सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट शियर स्ट्रेस वैरीज लीनियरली एंड इज मैक्सिमम एट आउटर सरफेस। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ, विच मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेशन एट स्पेसिफिक पॉइंट इन अ बीम अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है अपने डबल इंटीग्रेशन, सेकंड मोमेंट एरिया मेथड, थर्ड मैकुली मेथड्स एंड फोर्थ यूनिट लोड मेथड्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ यूनिट लोड मेथड। ठीक है, यूनिट लोड मेथड यूज वर्चुअल वर्क एंड इट इज इफिशियंट फॉर स्पेसिफिक डिप्लेसमेंट कैलकुलेशंस। ओके, नेक्स्ट टेंथ, इन द मोमेंट एरिया मेथड द चेंज इन स्लोप बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू। ओके, तो देखो ऑप्शन है मोमेंट डिवाइडेड बाय ई आई, सेकंड एरिया अंडर द एम डिवाइडेड बाय ई आई डायग्राम, सेकंड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एम ई आई डायग्राम एंड कर्वेचर ऑफ बीम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एरिया अंडर द एम ई आई डायग्राम, एरिया अंडर एम ई आई डायग्राम गिव्स चेंज इन द स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, वैसे देखो जेई की सिविल की शॉर्ट नोट्स पीडीएफ एमसीक्यूज अवेलेबल है, जिसमें 22 चैप्टर्स, 270 टॉपिक्स एंड 7000 प्लस एमसीक्यूज है, थेरी प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल है। ठीक है, इसकी प्राइस है 350। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप यहाँ से पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको हर एग्जाम में काम में आएगा, इसमें 22 चैप्टर्स सभी कंप्लीट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। ठीक है, तो देखिए 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है, इलोर फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली टू, तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम एंड फोर्थ कॉलम विथ लार्ज इसेंट्रिसिटी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, लॉन्ग कॉलम। ठीक है, इलोर फॉर्मूला एज्यूम परफेक्ट स्लेंडरनेस एंड अप्लाइज टू लॉन्ग कॉलम ओनली। नेक्स्ट 12th, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री इज, तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे एल, ठीक है 2L, 0.L एंड √2L, L मीन्स इज अ लेंथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड 2L। ठीक है, सच कॉलम बिहेव एंड इट्स लेंथ इज इफेक्टिवली डबल ड्यू टू फ्री एंड मोमेंट। ओके, नेक्स्ट 13, विच मेथड इज सुटेबल फॉर एनालाइजिंग फ्रेम्स विथ मल्टीपल रिडंडेंसीज। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है स्लोप डिफ्लेशन मेथड, थ्री मूवमेंट इक्वेशन, थर्ड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड फोर कंजक्ट बीम मेथड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज इफिशियंट फॉर एनालाइजिंग मल्टी स्टोरी एंड कंटिन्यूअस फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट 14, स्टैटिक इंटरमीडिएंसी इज गिवन बाय, तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे
नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सेकंड नंबर ऑफ सपोर्ट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, सेकंड नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ जॉइंट एंड नन ऑफ द। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मीन्स इट्स अ डिफरेंस बिटवीन अननोन एंड अवेलेबल स्टैटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट 15, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीमिस। तो देखो ऑप्शन है ट्रायंगल विथ पीक एट सेंटर, सेकंड अ रेक्टेंगल, थर्ड अ ट्रेपेजियम एंड फोर्थ अ लीनियर डिक्रीजिंग। द करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, अ ट्रायंगल विथ पीक एट सेंटर। ठीक है, द आईएलडी फॉर बीम इज एट मिड स्पैन इज अ ट्रायंगल विथ मैक्सिमम एट अ सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट 16, मुलर ब्रेसॉल्फ प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर। तो देखो ऑप्शन है प्लास्टिक एनालिसिस, शेयर फोर्स डायग्राम, ड्राइंग इन्फ्लुएंस लाइन एंड फोर्थ मूवमेंट कर्वेचर रिलेशंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, ड्राइंग इन्फ्लुएंस लाइन, बिकॉज इट हेल्प विजुअलाइज एंड ड्रॉ आईएलडीज बाय अप्लाइंग अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट 17, हॉरिजेंटल थ्रस्ट इन द थ्री हिंग आर्क डिपेंड ऑन। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे स्पैन एंड हाइट, सेकंड सपोर्ट सेटलमेंट ओनली, थर्ड राइज ओनली एंड फोर्थ टाइप ऑफ हिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, स्पैन एंड हाइट, हॉरिजेंटल थ्रस्ट इंक्रीज विथ स्पैन एंड डिक्रीज विथ राइज। नेक्स्ट 18, द शेप ऑफ केबल कैरिंग यूनिफॉर्म लोड अलॉन्ग हॉरिजेंटल स्पैन इज। तो देखो ऑप्शन है पैराबोला, सेकंड कैटरनी, स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कुलर आर्क। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पैराबोला, द केबल अंडर यूडीएल अलॉन्ग हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन फॉर्म अ पैराबोला। ठीक है, यूनिफॉर्म लोड अलॉन्ग हॉरिजेंटल स्पैन। नेक्स्ट 19, प्लास्टिक हिंग इज फॉर्म वेन। तो देखो ऑप्शन है स्ट्रक्चर फेल इलास्टिकली, सेकंड ब्लेंडिंग मोमेंट एक्सीड यील्ड मोमेंट, थर्ड शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एंड फोर्थ डिफ्लेशन बिकम जीरो। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, ब्लेंडिंग मोमेंट एक्सीड यील्ड मोमेंट, बिकॉज बियॉन्ड यील्ड मोमेंट द सेक्शन बिहेव प्लास्टिकली फॉर्मिंग अ हिंग। ओके, नेक्स्ट 20, शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 1.0, 1.5, 2.0, 2.5। तो करेक्ट आंसर इज 1.5। ठीक है, मींस शेप फैक्टर इक्वल्स टू प्लास्टिक मोमेंट डिवाइड बाय यील्ड मोमेंट इक्वल्स टू 1.5 फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी ऐसी कुछ वीडियोज बना सकूं। अगर आपका सपोर्ट रहा तभी अपन ये सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है 21, इन स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड द अननोन्स आर। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट्स, स्ट्रेंस, रिएक्शन ओनली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द स्टिफनेस मैट्रिक्स रिलेटेड टू नोडल डिस्प्लेसमेंट टू अप्लाइड लोड्स। ओके, नेक्स्ट 22, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट। तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो ऑप्शन है फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, मूवमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू यूनिट फोर्स एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू यूनिट फोर्स, बिकॉज ईच टर्म गिव डिस्प्लेसमेंट एट वन कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट लोड एट अनादर। नेक्स्ट 23, इन एफईएम शेप फंक्शन आर यूज्ड टू। तो देखो ऑप्शन है डिटरमाइन सपोर्ट कंडीशन, इंटरपोलेट डिस्प्लेसमेंट, अप्लाई लोड एंड फोर्थ एनालाइज टाइम हिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इंटरपोलेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिकॉज शेप फंक्शन हेल्प अप्रोक्सीमेट डिस्प्लेसमेंट विद इन इलेमेंट्स। नेक्स्ट 24, लैटरल टॉर्जनल बक ऑकर्स इन। तो देखो ऑप्शन है कॉलम अंडर एक्सल लोड, सेकंड शॉर्ट कॉलम, थर्ड स्लेंडर बीम अंडर बेंडिंग एंड फोर्थ बीम अंडर प्योर टॉर्जन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, स्लेंडर बीम अंडर बेंडिंग, बिकॉज इट्स अ वर्किंग मोड इन बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग अ इन द वीक एक्सिस।
नेक्स्ट 25, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एस डी ओ एफ सिस्टम इज गिवन बाय, तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रूट के डिवाइड बाय एम, रूट के एम, एम डिवाइड बाय के एंड के एम, के मीन्स स्टिफनेस एंड एम मीन्स मास, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट रूट ऑफ के डिवाइड बाय एम। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर देखते हैं तो रूट के एम डिवाइड मीन्स के मीन्स स्टिफनेस एंड एम मीन्स मास। ओके, तो देखिए वैसे पीडीएफ अवेलेबल है जो के डी एम सी के लिए है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 10,000 कंबाइन इंग्लिश एंड एम सी क्यूज है जो 350 की है, प्लस इंग्लिश थेरी प्लस एम सी क्यूज पी डी एफ है जिसमें कंप्लीट एक्ट्स है 7,000 प्लस एम सी क्यूज है 250 रुपीज़ की, अकाउंट्स की पी डी एफ अवेलेबल है, जेई की पी डी एफ अवेलेबल है एंड करंट अफेयर्स मंथली पी डी एफ अवेलेबल है जो है 25 रुपीज़ पर मंथ। जिनको भी ये पी डी एफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके पी डी एफ यहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स है इसमें आपको ये सारी जो पीडीएफ्स है ये बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि ये आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। जो भी रिसोर्सेज आप ऑनलाइन ढूंढते हो ये नहीं मिलेंगे, ये सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक। तब तक के लिए थैंक यू।